speak about the church as a witness. और हम बात करेंगे कि कलीसिया एक गवाह के रूप में. Now we all know that individually we're all called to share the gospel with people. And I'm sure many of us are doing it one to one. और हम सबको पता है कि हम सबको बुलाया गया है कि हम प्रभु के गवाह बन के रहें और जरूर हम में से बहुत से लोग गवाही देते भी होंगे एक दूसरे को. It's the will of God that the whole church is a witness for Christ. और परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी कलीसिया परमेश्वर के लिए गवाह के रूप में रहे. In the letter of Paul to the Corinthians in 14th chapter, Paul, the whole chapter is about the use of the gifts God has given. और कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में हम देखते हैं उस दानों की बात में जो कलीसिया को मिले उसके बाद में वर्णन करते हैं. And writes there that when the whole church is together and worshiping God and prophesying, और बताता है जहां पूरी कलीसिया गवाही दे रही है, आराधना कर रही है, भविष्यवाणियां कर रही है. And prophecy means hearing from God and speaking out. और भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर से ओर से संदेश पाके उसको बताना. When an unbeliever walks in, he will say, "Surely God is among these people." तो कोई अविश्वासी अगर उस कलीसिया में आएगा तो कहेगा जरूर इस कलीसिया में परमेश्वर है. So when the church is fulfilling God's purpose and call for the church as a whole, it's a witness to people of other faiths. तो जब कलीसिया पूरी तरह से परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में रहती है तो परमेश्वर के वो कलीसिया दूसरे लोगों के लिए गवाह के रूप में हो जाती है. Sadly, it's not happening today. पर बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा आजकल नहीं हो रहा. In fact, we have a challenge as to where to send a new believer, which church to send him to. और एक बड़ा एक तरह से चुनौती हो जाती है हमारे लिए कि भाई एक नए विश्वासी को किस कलीसिया में भेजें. Just today, this evening, I had the privilege of reading a Hindu to Christ. और आज ही भाई को परमेश्वर ने आदर दिया. एक हिंदू व्यक्ति था उसको प्रभु के पास लेके आए. And he wants to know what to do next. And of course, I did tell him to have fellowship with me and come here, but then we have to send him to church. और भाई ने उसको बोला कि अब वो पूछने लगा कि भाई अब मेरा जीवन बदल गया, अब मैं आगे क्या करूं. तो भाई ने उसको बोला कि आप मेरे पास आओ, संगति करो, पर हमें उसको किसी कलीसिया में तो भेजना है. Because he was a part of a body of Christ. क्योंकि उसको कलीसिया की जो मसीह की देह है उसका हिस्सा बनना है. And someone from some other faith when he turns to Christ expects a lot from the body of Christ because he's come to a new relationship with God. और एक व्यक्ति जो दूसरे समुदाय से आया है और वो क्योंकि एक नए मसीह की देह में जुड़ गया है तो वो बहुत सारी आशा रखता है कि नए ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ बहुत आशा रखता है. And he or she needs to be built up in the faith. And unfortunately, that the very few churches congregations there are which can really build up such people in the faith. और उसको ऐसी कलीसिया में जुड़ना है जहाँ पे उसका विश्वास मजबूत हो. और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत कम कलीसियां हैं जहाँ पे उसको भेजा जा सकता है, जहाँ पे वो अपने विश्वास में बढ़ सके. The will of God is that the church as a whole manifests godliness. और परमेश्वर की जो इच्छा कलीसिया से है कि कलीसिया पूरी तरह से परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करे. Individually, each one of us may be choose to be godly. Maybe to some extent we are all successful and happy about it. But what about our responsibility towards others in the body of Christ? और व्यक्तिगत तौर पे हमसे आशा की जाती है कि हम पवित्र रहें और हो सकता है हम बहुत से रहे भी. पर जो पूरे समुदाय के तौर पे कलीसिया के तौर पे जो परमेश्वर की हमसे आशा है उसके बारे में क्या? Before the second coming of Christ, there are two requirements God has of His people. इससे पहले कि प्रभु दोबारा आए, प्रभु की दो लालसाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो कलीसिया से वो रखते हैं. One is that the gospel has to be shared to the ends of the world. पहला ये कि प्रभु का जो सुसमाचार है वो संसार के छोर तक फैल जाए. In Matthew 24 chapter verse 14, the Lord says. मत्ती 24 उसकी 14वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं. In the context of his second coming. अपने द्वितीय आगमन के बारे में. And this gospel of the kingdom will be shared to the ends of the world, assessment all nations, then the end will come. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. The end will come after this gospel preached to the ends of the world as testimony to all nations. और ये जो राज्य का सुसमाचार जगत के छोर तक प्रचार हो जाएगा तब जो गवाही जो है अंत आ जाएगा. Responsibility of the church to do that. और ये जो जिम्मेदारी है ये है कलीसिया की. A second thing is the church must be holy and blameless before God. और दूसरी बात है कि जो कलीसिया है परमेश्वर के सामने निर्दोष निष्कलंक हो. In 2 Peter chapter 3 from verse 9 Peter writes. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में पत्रस ऐसे लिखते हैं. God is not slow in keeping his promise, some understand slowness. पर वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं.
He is patient with anyone, not anyone to perish, but all to come to repentance. पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. The day of the Lord will come like a thief. और प्रभु का जो दिन है वो एक चोर के समान आ जाएगा. The heavens will disappear with a roar, the elements will burn with fire, and the earth and everything will be laid bare. और आकाश जो है एक एक चादर की तरह हट जाएगा, पर्दे की तरह सारे तत्व पिघल जाएंगे और पृथ्वी जो है बिल्कुल निर्जन बंजर हो जाएगी. Since everything will be destroyed in this manner, what kind of people ought you to be? और जब सब कुछ इस तरह से नाश हो जाएगा तो हमें किस तरह के लोग होना है? You ought to live holy and godly lives and look for the day of the Lord and speed his coming. और हमें अपने अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ जीना है और परमेश्वर के आने को बड़ी लालसा के साथ उसकी उम्मीद आशा रखनी है. This instruction is to the body of Christ as a whole. और ये जो हिदायत है पूरी कलीसिया को मिली है. When I talk about the church, I'm not talking about any particular congregation. जब कलीसिया की बात कर रहे हैं तो किसी खास हम कलीसिया की बात नहीं कर रहे. I'm talking about the church as a whole in the eyes of God. परमेश्वर की नजर में कलीसिया जो पूरी कलीसिया है उसकी बात कर रहे हैं. In the eyes of God, all those people are turned from following the world to following Jesus together constitute the ecclesia, the church. और वो लोग जो संसार को छोड़ के परमेश्वर की ओर फिर गए हैं, परमेश्वर की ओर चलने लगे परमेश्वर के साथ, जो एक्लीसिया जो कलीसिया बन गया उसकी बात कर रहे हैं. The Hindi word kalisia is very close to the Greek word ekklesia. जो यूनानी शब्द एक्लीसिया है वो हिंदी में कलीसिया के बहुत नजदीक है. And basically it means people are called out to follow Jesus. और उसका मतलब ये है कि वो लोग जो बुलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए. In every congregation of God's people, there are some believers, there are some unbelievers. All kinds of people are there. On a given Sunday, when you go to a particular church congregation, all kinds of people are there. और हर एक हर कलीसिया में हर एक तरीके के लोग हैं. जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हमारे को हर एक भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हमारे को मिलते हैं. God's expectations are from those people who know Him, who've been called to follow Him. और परमेश्वर की आशा उन लोगों से हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और जिनको बुलाया गया है कि उसके पीछे चलें. The first aspect of godliness I want to talk about this evening is a holiness. और जो पहला जो बात है कलीसिया से जो आशा रखी जाती है वो है पवित्रता. Not individual holiness alone, but the collective holiness of the church of God. एक व्यक्तिगत पवित्रता की बात नहीं और पूरी कलीसिया को एक समूह में देखते हुए उसकी पवित्रता की बात. It's always been the will of God that through His people, His holiness be manifested to people who do not know Him. और परमेश्वर की इच्छा शुरू से है कि जो लोग उसको जानते हैं उनके द्वारा से वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो उसको जान सके. When He chose Israel to be given the commandments, जब परमेश्वर ने इसराइल को चुना कि आज्ञाएं दें, before that He asked the Israelites through Moses whether they would obey Him or not. उसने उससे पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से उन लोगों से पूछा कि क्या वो मेरी आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे. Only when they told they will obey the law, God gave them the law. जब उन्होंने बोला हाँ हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे तभी परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं उनको दी. Even today many people have this question as to why God gave the commandments only to the Jews, the Israelites. और आज भी लोगों के कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि ये प्रभु ने जो ये आज्ञाएं दी ये सिर्फ यहूदियों को ही क्यों दी. What is special about them? यहूदियों में ऐसी कौन सी खास बात है? Is God showing favoritism? क्या परमेश्वर पक्षपात कर रहा है? Even today people ask this question, why they are called the children of God? और आज भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि उनको परमेश्वर की संतान क्यों बोला गया? This question was answered 2000 years ago. पर इसका जो उत्तर है वो तो 2000 साल पहले दे दिया गया. Roman chapter 3 verse 1 and 2. रोमियो तीसरा अध्याय उसकी पहली दो आयतों में हम पढ़ते हैं. The apostle Paul puts the question and answers the question also. जहां पौलुस एक प्रश्न रखता है और उसका उत्तर भी खुद ही देता है. The two verses question is put, answer is also given. और इन दो आयतों में प्रश्न भी पूछा गया और उसका उत्तर भी दिया गया है. What is the advantage of being a Jew? So, यहूदी होने की क्या बढ़ाई? What is special about circumcision? या खतने का क्या लाभ? And the next verse gives the answer. और दूसरी आयत में उसका उत्तर भी देता है. Much in every way, first of all, they've been given the oracles of God. हर प्रकार से बहुत कुछ. पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए. What makes them unique is God gave them the commandments. और उनकी खास बात क्या है कि उनको परमेश्वर ने अपने वचन सौंपे, अपनी आज्ञा. He gave them commandments only on condition they would obey. और ये शर्त, एक शर्त पे ही उनको ये आज्ञा दी गई कि वो उसकी आज्ञा को मानेंगे. When the Israelites came from Egypt and camped on the plains of Moab, actually Moses went up, not Moab, in Sinai. Moses went up the Mount of Sinai to worship God.
और जब मिस्र से बाहर निकल के आए और वहां सिनाई के पहाड़ के पास आए, तो मूसा जो है सिनाई पर्वत पे चढ़ा परमेश्वर की आराधना करने के लिए। Because before he went to Egypt, God told him, "When you bring my people out, you shall worship me on this mountain." क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया था कि जब तू इससे मेरे लोगों को निकाल के लाएगा तो इसी पहाड़ पे मेरी आराधना करने पाएगा। He went up the mountain to primarily worship God to fulfill what God had told him before. और एक जो मुख्य कारण था उस पहाड़ पे चढ़ने का मूसा का यही था कि परमेश्वर की आराधना करे और जो बात परमेश्वर ने उसको बताई थी उसको पूरा करे। And God sent him down the mountain to the Israelites and to tell them. और परमेश्वर ने उसको पहाड़ से नीचे भेजा कि जाके इजरायली लोगों से को बता दे। Exodus 19 chapter 4, 5, 6. निर्गमन 19वां अध्याय 4 से 6 आयत तक। You have said, "Know what I did to Egypt, how I carried the eagle's wings and brought you to myself." कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों को क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। Now, if you obey me fully and keep my covenant, out of all the nations you will be my treasured possession. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुमको तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, सारी समस्त पृथ्वी तो मेरी है। Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. हालांकि सारी समस्त पृथ्वी तो मेरी है, फिर और तुम मेरी दृष्टि में याजको राज्य राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। So God's plan was all the nations will come to know who the true God is through the Israelites who had the law when they obeyed the law. और परमेश्वर की इच्छा यही थी कि सारे दुनिया के लोग जो है इस इजराइलियों के द्वारा से परमेश्वर की आज्ञा समझे और जब उसकी आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर उनको आज्ञा भी देगा। They are called to be a holy nation, a set apart nation. उनको बुलाया गया कि एक पवित्र राज्य बने, अलग किया हुआ राज्य बने। And as they obeyed God, the strength of God be manifested through them, power of God manifested through them. और जब परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ उनके द्वारा से प्रकट होगी। Strength to go and occupy the land. सामर्थ पाएंगे कि उस भूमि को जाके कब्जा कर सकें। Deuteronomy chapter 11 verse 8. और व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। And through obedience, God's visibly manifested through them. और इस कारण जितनी आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसी से तुम सामर्थी होगे। And through their obedience, God's wisdom manifested through them to the other nations. और क्योंकि वो परमेश्वर को की आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर प्रकट होगी और दूसरे जो लोग हैं वो उस बात को देखेंगे, समझेंगे। Deuteronomy chapter 4 verse 6, Moses tells them. और व्यवस्था विवरण 4वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में मूसा उनको बताता है। Observe carefully all these commandments, for this will show your wisdom among the nations who hear of the decrees and say, "Surely this great nation is a wise and understanding people." So, तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। So, in a way, the nation of Israel was supposed to be the priest for the other nations. और एक तरह से इजरायली लोगों को सारे दुनिया के लोगों के लिए एक याजक का पद मिला था। Just like the Levites were priests of the Jews and the Israelites. और जिस तरह से यहूदियों में इजरायलियों के लिए जो लेवी लोग थे वो याजक थे। The same with the nation of Israel was supposed to be priest for the remaining nations. उसी तरह से यहूदी लोग जो थे वो सारे बाकी जो देश जो समूह लोग हैं उनके लिए याजक का काम उन्हें मिला था। An entity through which God revealed his nature to all the nations that they will all know who the true God is. एक ऐसे एक जाति बने जिसके द्वारा से सारे संसार के लोग जान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है। There was God's plan. ये परमेश्वर की योजना थी। And also through their obedience, God's holiness be seen through them to all the other nations. और उनकी पवित्रता के द्वारा से परमेश्वर की पवित्रता सारे संसार के लोग देख सके। But they failed God. और उन्होंने परमेश्वर को निराश करा। And before they entered the land of Canaan, God told them, if they obeyed the word, they'll be blessed. When they disobeyed, they'll be cursed. और परमेश्वर ने उनको इस कनान देश में प्रवेश करने से पहले ही बता दिया था, अगर मेरी आज्ञा मानोगे तो आशीष पाओगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो श्रापित होगे। Only when they agreed to obey God's commandments in Exodus 19 chapter verse 8, God gave them the commandments. और जब उन्होंने इस बात को मान लिया निर्गमन 19वां अध्याय की 8वीं आयत में कि हम तेरी आज्ञा मानेंगे, तभी परमेश्वर ने उनको अपनी आज्ञा दी। God never forced the commandments upon them. परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी आज्ञा थोपी नहीं। And then when they disobeyed God and they were exiled in Babylon Ezekiel prophesied to these people. और जब उन्होंने आज्ञाकारिता करी तो बेबीलोन में बंधुआई में चले गए
और वहां पे परमेश्वर का वचन उनके पास इज़ेकेल के द्वारा पहुंचा. In Ezekiel chapter 36 verse 23, God says. और हिज़ेकेल उसका 36वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में परमेश्वर बोलते हैं. I will show the fullness of my great name which has been profaned among the nations. The name you have profaned among them. और मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया जिसे तुमने अपने बीच अपवित्र किया. Then the nations will know I am the Lord when I show myself holy through you before their eyes. और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं. परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है. What God is saying here is he's going to show his holiness through his people to the other nations. और परमेश्वर कह रहे हैं कि वो अपनी पवित्रता को इन लोगों के द्वारा से सारे लोगों पे प्रकट करेंगे. And then verse 25 to 27 the Lord spoke about how we would do it. और 25 से 27 आयत में परमेश्वर बताते हैं कि उसको कैसे उसको करेंगे. I will sprinkle clean water on you and you'll be clean. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे. I will cleanse your moral impurities and all your idols. और मैं तुमको सारी तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा. I'll give you a new heart and a new spirit. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा. I will take your heart of flesh, heart of stone and give a heart of flesh. मैं तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा. I'll put my spirit in you and move you to follow my decrees. और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे. God says, I, God says. और परमेश्वर बार बार मैं बोलते हैं. He makes us holy. वो हमें पवित्र करते हैं. He told the Israelites, I will make show my holiness through you. और परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला कि मैं अपनी पवित्रता तुम्हारे द्वारा से दिखाऊंगा. What's the meaning of I will sprinkle clean water on you and you'll be clean? और इस बात का क्या मतलब निकलता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे? This water symbolizes the word of God. और ये जो जल है ये परमेश्वर के वचन को दिखाता है. And in Ephesians 5:25 they explain. Ephesians 5:25 में इस बात को और विस्तार से समझाते हैं. Husbands love your wife like Christ loved the church and gave himself for her. Cleansing with washing with water through the word. और हे पत्री हे पतियो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. वचन के द्वारा जल के वर्ण से वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र. So this water refers to the word of God that sanctifies, that cleanses us. तो ये जो जल है परमेश्वर के वचन को दिखाता है जो हमारे को शुद्ध करता है पवित्र कर देता है. So verse 25 the Lord says to the word they'll be cleansed and they'll be made holy. और 25वीं आयत में लिखा है कि वो उसके वचन को उसके द्वारा से वो शुद्ध होंगे. And verse 27 says I'll put my spirit in you and move you to follow my decrees. और 27वीं आयत में लिखा है कि मैं अपनी आत्मा तुम पे डालूंगा और वो मेरे मेरे पीछे पीछे मेरी आज्ञाओं को मानेंगे. मैं अपनी आत्मा अपनी गॉड स्पिरिट मैं अपनी आत्मा तुम पे डालूंगा. एंड टुडे वी अंडरस्टैंड दैट द चर्च इज कॉल्ड टू बी होली एंड टुडे वी आर द होली नेशन. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया कि वो पवित्र बने और आज हम जो है पवित्र समाज है पवित्र जाति है. इन दोस डेज इज़राइल वाज़ द होली नेशन एज अ टेस्टमेंट टू ऑल द अदर नेशंस. उस समय में इजरायली लोग पवित्र लोग थे और वो गवाह थे सारी जातियों के लिए. Today the church is a holy nation as a testament to all the nations of this world. आज के समय में कलीसिया वो पवित्र चीज है जगह है जिसके द्वारा से सारी संसार पे परमेश्वर की पवित्रता प्रकट होनी है. In 1 Peter chapter 2 verse 9 we read. पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं. You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you from darkness to his wonderful light. और तुम एक चुना हुआ वंश राजपद्धति पदाधिकारी राजकों का समाज पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो. Once you were not a people, now you are the people of God. पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे अब परमेश्वर के लोग बन गए हो. In other words, let's remember that Peter wrote the letter to Christians in different parts of that empire. और पौल पत्रस ने जो अलग अलग राज्य में जो लोग थे उनको पत्री लिखी थी. पोंटस गैलेशिया कैपरोसिया एशिया एंड बिथिनिया द वेरी फर्स्ट वर्स एंड सेकंड वर्स ऑफ 1 पीटर सेज 1 पीटर 1:1
पहला पत्रस पहला अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि वो जो ये पोंतुस गलतिया कपूदिया किया आसिया और बेथुनिया में तितर बितर होकर रहते थे उन लोगों के लिए लिखा। And in verse 10 he says you are not once you are not a people now you are the people of God। और बोलता है कि पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे पर अब परमेश्वर की निज प्रजा बन गए हो। You are not a people, you are people of Pontus, people of Galatia, Cappadocia, Asia, and different peoples। और तुम तो अलग अलग जगह के रहने वाले थे गलेतिया पोंतुस और अकादिया एशिया अलग अलग जगह के थे पर अब परमेश्वर के निज प्रजा बन गए। Now you are the people of God। और अब परमेश्वर की प्रजा बन गए। The holy nation। एक पवित्र समाज। The Christians all over the world called from following the world to following Jesus together constitute this holy nation। और सारे संसार के लोग जो संसार से भटा के परमेश्वर के पीछे होने लगे उनको बुलाया गया कि वो इस पवित्र राज का हिस्सा बने। This church is talking about। इस कलीसिया की बात कर रहे हैं। The universal church is talking। ये पूरे संसार की जो एक कलीसिया है सारी बड़ी कलीसिया की बात कर रहे हैं। You know, in many of the denominational churches, they usually recite what they call Apostles' Creed or Nicene Creed। और कई कलीसियाओं में जो प्रेरितों की जो बातें हैं उसको And that creed goes like this. One part goes like this. I believe in the Holy Catholic Church. और उसमें एक बात बोली जाती है कि मैं जो जो कैथोलिक कलीसिया है उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, पवित्र कलीसिया पे विश्वास करता हूँ। Most people don't understand what they're saying. बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं। And they all call themselves Protestants. और वहाँ से उनको प्रोटेस्टेंट के लिए समाज में बुलाया गया, अलग किया गया। These people call themselves Protestants. और ये लोग अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। And they say they believe in the Holy Catholic Church। और वो कहते हैं कि हम तो कैथोलिक चर्च जो पवित्र कैथोलिक चर्च है उसे विश्वास करते हैं। But unless the fact is Catholic doesn't mean any particular denomination, it means the universal church। Catholic church means universal church। पर वास्तविकता में जो कैथोलिक कलीसिया बोला गया है वो सारे संसार की जो पूरी एक कलीसिया है उसको संदर्भ में बोला गया है। I'm not a Roman Catholic church, I'm not Catholic। The word Catholic means universal। हाँ, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया की बात नहीं हो रही, कैथोलिक की बात हो रही है। कैथोलिक का मतलब जो पूरे विश्व की है। मीनिंग बिलीवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द होली यूनिवर्सल चर्च। इसका मतलब ये है कि सारे विश्व के जो विश्वासी हैं वो सारे मिलके परमेश्वर के लिए एक पवित्र कलीसिया बनती है। सो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेंबर्स ऑफ दिस होली कैथोलिक चर्च टू एंश्योर एवरी अदर मेंबर हु वी नो वेल Together are set apart to follow Jesus। तो हम सब जो संसार से अलग करके पवित्र कैथोलिक कलीसिया बन गए हैं हमें एक पवित्र जीवन जीना है। And this means that while we individually may follow the Lord, we must encourage other people also to follow the Lord। We have a responsibility towards our brothers and sisters। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जब हम खुद पवित्र जीवन एक जी रहे हैं साथ के साथ हमारे को बाकी हमारे भाई बहन जो है मसीह में उनको भी और मसीह में पवित्र जीवन में लेके चलना है। In 2 Timothy chapter 1 verse 9 Paul writes to Timothy and says, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय की 9वीं आयत में पौलुस ऐसा लिखते हैं, He saved us and called us to a holy life। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। After saving us, हमारे को बचा जाने के छुड़ा देने बचाने के बाद, washing our sins by his blood, और हमारे कामों को अपने लहू से शुद्ध करने के बाद, after giving us the gift of salvation, और को उद्धार का दान देने के बाद, He's called us to follow him, हमको बुलाया कि हम उसके पीछे चले। And as we follow him together, we are the church, और जहां उसके पीछे चलते हैं हम एक कलीसिया के तौर पे, And we have to help each other follow the Lord, और हमें एक दूसरे की मदद करनी है कि हम सब मसीह के पीछे चलते रहें। And that's why God has also given us the word of God, that through the word of God we correct people in their walk with God, और उस काम के लिए परमेश्वर का वचन हमें मिला हुआ है ताकि जब हम अपने जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा से उनको भी पवित्र करें। In 2 Timothy 3 chapter 16-17 और दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय उसकी 16वीं 17वीं आयत पढ़ते हैं, Is written, वहां ऐसा लिखा है, All scriptures God breath useful for teaching, correcting, rebuking, training in righteousness that the man of God be thoroughly equipped for every good work। और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So in the, wherever we are put, in whichever congregation we are put, तो हमें चाहे हम किसी भी कलीसिया में हम ना हो, we should do our part in first of all walking in the ways of God,
तो हमें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि हम परमेश्वर के पीछे पवित्रता से चलें। Remove every plank in our eye and help remove the speck of sawdust in the other person's eye. और अपने आंखों से जो लट्ठा है उसको निकाल के दूसरों की आंखों में जो तिनका है उसको भी निकालने में उसकी मदद करें। Seventh chapter of Matthew was 1-5 talk about how to deal with sin in the church. और मत्ती के साथ में अध्याय की पहली 5 आयतों में हम देखते हैं कैसे कलीसिया में अगर कोई पाप है उसको कैसे दूर करना है। Everyone in the church may or may not have a plank or a speck of sawdust. और जरूरी नहीं है कि कलीसिया में हर एक की आंख में लट्ठा या तिनका पड़ा हुआ हो। But we have one, you put away the plank, then remove the speck from other person. पर अगर हमारी आंख में कोई लट्ठा है तो पहले हम उस लट्ठे को दूर करें फिर हम दूसरे की आंख से तिनका निकालने में मदद करें। In 7th chapter of Matthew was 1-2 talk about do not judge or you'll be judged. मत्ती 7वां अध्याय पहली 2 आयत में लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। But the same measure you judge, you'll also be judged. क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। And that's in the context of people having a plank and trying to remove a speck from somebody else's eye. और ये उस बात के लिए बताया गया कि जिस एक के आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है और वो दूसरे की आंख में तिनके को देख रहा है। In that case, don't judge, Lord says. और तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कह रहा है कि दोष मत लगा। How could you judge someone with a speck when you got a plank on your eye? तो दूसरे की आंख में तिनके को कैसे उस पर दोष लगा रहे जब तेरी आंख में लट्ठा पड़ा हुआ है? Remove the plank, you see, better remove the speck. और जब तू लट्ठा अपनी आंख से निकाल लेगा तब तेरे को साफ साफ दिखेगा तब दूसरे की आंख से तिनका निकालने में मदद मिलेगी। So the Lord says, remove the plank and then judge. God doesn't say don't judge, period. और परमेश्वर कह रहा है पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल फिर दूसरे का तू न्याय करने की बात सोच। But because the first two verses of that particular chapter, many Christians do not correct others and don't change themselves too. और ये जो पहली 2 आयतें हैं इन दो आयतों के कारण से बहुत से मसीह लोग दूसरे को ठीक ही नहीं करते क्योंकि वो खुद अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। It's the will of God that the church as a whole is free of planks and specks. और परमेश्वर की इच्छा है कि पूरी कलीसिया जो है तिनके और लट्ठों से अलग हो सके। By the word and the spirit we can remove every plank and speck in our eyes. परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा से हम अपनी आंखों से हर एक लट्ठे को हर एक तिनके को दूर कर सकते हैं। What the Lord spoke in Old Testament time through Ezekiel about the word cleansing them and the spirit cleansing them is available for us today. और जो बात Ezekiel के को परमेश्वर ने बताई थी कि उसके वचन से उसकी आत्मा से जो लोग पवित्र होंगे वो आज हमारे लिए उपलब्ध है। Because in John 17:17 the Lord told the Father in heaven. क्योंकि योना 17:17 में प्रभु अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं Sanctify them by the truth, your word is truth. सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। Similarly, the Spirit of God he spoke about Old Testament time and today the Spirit of God sanctifies. और इसी तरह से पवित्र आत्मा के बारे में बोला जो पवित्र आत्मा पहले वो पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है। In 1 Peter chapter 1 verse 2 we read. पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं You are chosen by the foreknowledge of God the Father. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के आगे की तरफ तुम्हें चुना गया है. To the sanctifying work of the Spirit. आत्मा के पवित्र करने के आज्ञा के द्वारा आज्ञा मानने से. For obedience to Jesus Christ and sprinkling by His blood. और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो. So the Word and Spirit together sanctify. तो परमेश्वर का वचन और आत्मा दोनों मिलकर हमें शुद्ध करता है। This is for the whole body of Christ, for the whole church as to be holy and set apart as a body. और ये पूरी कलीसिया के लिए जो अलग किया गया है कि वो पवित्र तरह से जिए। Individually, you and me can be maybe free of all these things and we have spirit and word and we are fine, but you must help others to understand they have resources given to them by God. तो हम हो सकता है हम खुद जो है पवित्र हो निर्दोष चल रहे हो और परमेश्वर की आशा हमसे यह है कि हम दूसरों को भी मदद करें कि वो भी एक पवित्र और निर्दोष जीवन बिताएं उसके वचन और आत्मा के द्वारा से। They will teach people how they can also depend upon the Lord for word and spirit, how they can also be cleansed of their specks or sawdust, specks of sawdust or whatever, even a plank. हमें लोगों को शिक्षा देनी है कि कैसे परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है कि वो भी अपनी आंखों से उस दिन के और लट्ठे को दूर करके पवित्र रह सके। Because Peter clearly says in 2 Peter 1:3, पतरस बड़ी सफाई से दूसरा पत्रस पहला अध्याय की तीसरी आयत में कहते हैं His divine power has given us everything we need for life and godliness. क्योंकि उसकी उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है
हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है. He has given to us already. उसने पहले ही हमें दिया है. And therefore we must educate people to understand that in Christ whatever their need for godliness has been given to them and they should seek that from God. और इसलिए हमारे को लोगों को शिक्षा देनी है कि जो कुछ उन्हें पवित्र जीने के लिए पवित्रता के लिए चाहिए परमेश्वर ने दिया है और इसलिए परमेश्वर को वो की ओर देखें. So what's the part that we play in the church, the whole church as a whole, being holy and a witness to the other people? तो हम जो कलीसिया में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि पूरी कलीसिया जो है एक पवित्र लोगों का एक झुंड हो जो दूसरों को भी पवित्र करे. When somebody else in the church is doing something wrong and nobody seems to correct the person, we have to deal with that. अगर कलीसिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत कर रहा है और कोई उसको ठीक नहीं कर रहा तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सही करें. There's a clear pattern instruction by Jesus on how to handle sin in the body of Christ. और प्रभु मसीह ने कलीसिया में अगर कोई पाप है उसको कैसे सही करना है प्रभु ने बिल्कुल साफ साफ बताया. In Matthew 18 chapter 15 to 17. मत्ती 18वां अध्याय 15 से 17वीं आयत के बीच में हम पढ़ते हैं. If your brother sins, go and tell him his fault. यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में उससे बातचीत करके उसे समझा. Don't turn the other side when your brother is sinning. You have to go and correct. ये नहीं कि अगर तेरा भाई गलती कर रहा है तो तू मुंह फेर ले उससे, उसे जाके सही करना है. We shouldn't think only about ourselves. Think of other person because he wants the whole church to be holy. हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, पूरी उस दूसरों के भी बारे में सोचना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पूरी कलीसिया पवित्र हो. Go and tell him his fault and tell him love. और उसको जाके उसकी गलती बता और उसको प्रेम से समझा. If he repents, you have won your brother. अगर वो मन फिरा लेता है तो तूने अपने भाई को जीत लिया. If he doesn't listen, tell two or three people in the church. अगर वो नहीं मानता तो जाके और एक दो जन को जाके अपने साथ में जा उनको बता. If he listens, fine. If he doesn't listen, then tell the whole church. यदि वो माने तो ठीक, नहीं माने तो कलीसिया से कह दे. He still doesn't listen, treat them like a tax collector or a sinner. In fact, put them out of the church. और यदि कलीसिया के भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला समझ के उसे अलग कर दे. Not permanently putting him out of the church till such time they repent, then restore him back to the function. और ऐसा नहीं कि उसको हमेशा के लिए बाहर निकाल दे, उस समय तक जब तक वो मन ना फिराए, जब वो मन फिराता है उसको वापस कलीसिया में लेना है. Yes, so people are stubborn, don't want to accept their mistakes. और कई लोग जो होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, अपनी गलती को मानना ही नहीं चाहते. But there are people who will tell them the fault, they will accept their fault. पर अगर लोग उनकी गलती बताएं प्रेम से तो अपनी गलतियों को मान लेते. But they won't know how to come out of it. और उनको ये समझ नहीं आता कि उस गलती में से बाहर कैसे आए. That's why we have to play a part in them also turning and be with them in their struggle. तो वहां पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें और उस परेशानी में, उस परिस्थिति में से उनको निकलने में सहायता करें. Galatians chapter 6 verse 1 says. गलतियों 6वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है. Brothers, if someone is caught up in a sin, you who are spiritual should restore him gently. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और उसकी चौकसी करो. But be careful or you also may be tempted. और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो. So when the person is struggling, you must be with them. He's accepting his mistake, does not know how to come out of it. You must be instruments of God in love, drawing them out of their sinful situation. तो अगर कोई गलती व्यक्ति अपनी गलती को मान रहा है, उसको प्रेम से आप समझा रहे हैं, तो आप उसको आप मदद करें कि उसको परिस्थिति से में से कैसे उसको बाहर निकलने में उसकी सहायता कर सकते हैं. Interestingly, many people who think they're very spiritual, they ignore the brother who's accepted his mistake, doesn't know how to come out of it. और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि अपने आप को बहुत पवित्र समझते हैं, आत्मिक समझते हैं, और जो व्यक्ति इस गलती में से निकलना चाहता है उसकी मदद ही नहीं करते. They feel they're very very spiritual, very very holy, and they want to ignore the person. Let him repent, we'll see, and a sense of self righteousness can be there. और वो सोचते हैं हम तो बहुत पवित्र हैं, वो जब देखेंगे क्या होगा, वो मन फिराएगा तब देखेंगे, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा खुद को धर्मी समझते हैं. But here Paul says, if you are spiritual, be instrument of restoration, bring him back to the fellowship of God through your love. और पौलुस यहां बता रहा है कि अगर तुम पवित्र हो तो मदद करो उस व्यक्ति की और ऐसे एक साधन बनो कि वो परमेश्वर के पास वापस आ सके. God wants to use his people to bring other people gone away back to him. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, जो उसके लोग उससे दूर हो गए हैं, उसकी उनकी मदद करे कि वो वापस उसके पास आ जाएं. And if you look at Jeremiah chapter 3 verse 22. यर्मयाह तीसरा अध्याय उसकी 22वीं आयत में देखते हैं उन लोगों के बारे में जो पीछे फिसल गए हैं. The Lord says, return faithless people, I will cure you of backsliding.
परमेश्वर कहते हैं भटकने वाले लड़को लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। And he only expects them to acknowledge their guilt, to acknowledge they've done wrong. और परमेश्वर बस उनसे यही उम्मीद रखता है कि बस वो अपनी गलती को मान ले कि हाँ हमसे गलती हो गई। In Jeremiah chapter 3 verse 13, only acknowledge your guilt, acknowledge what you've done is wrong. यर्मिया 3:13 में लिखा है कि केवल अपना यह अधर्म मान ले। And then God explains to them how he's going to draw them back to और फिर परमेश्वर बताते हैं कि कैसे वो उन लोगों को वापस अपनी ओर वापस लेके आएंगे। Verse 14:15 he says, return my people, return faithless people. और 14:15 आयत में लिखा है भटकने वाले लड़को लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। For I am your master. क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। I will choose you one from a town, two from a clan. तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। And bring you to Zion. मैं सियोन में पहुंचा दूंगा। Then I will give you shepherds after my own heart who will guide you with knowledge and understanding. और मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। Shepherds after my own heart. अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा। All of us can be shepherds of God's own heart who draw others out of sin. हम सब परमेश्वर के मन के अनुसार चरवाहे बन सकते हैं जब हम ऐसे लोग जो पाप में गिरे हुए हैं उनको परमेश्वर के पास ले आएं। The manifesting love and compassion and biblical truths and biblical resources available for them. और प्रेम दया करुणा के साथ परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के जो साधन मिले हैं उनके द्वारा से उनको परमेश्वर के पास ले आएं। And also praying for them till they turn from sin. और हम प्रार्थना भी करें उनके लिए कि वो पाप से फिर जाएं। We must be actively involved in people, other people in the church, walking with the Lord. और हमें हम बहुत जो लोग परमेश्वर कलीसिया में जो लोग हैं उनके साथ हम अपने आप को मिलान देना है, मिलजुल के उनको परमेश्वर की राह में चलाना है। By being examples on how one can walk with God. एक उदाहरण बन के दिखाना है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ एकता में चल सकते हैं। Then when people repent of their sins, और फिर जब लोग पाप से मन फिराते हैं, we will have a further responsibility with God. तो उसके बाद एक और हमारी जिम्मेदारी बनती है, नॉट टू टॉक अबाउट दैट पास्ट, उनके जो उन्होंने गलतियां करी पुरानी उनके बारे में बातचीत नहीं करनी, नॉट टू गॉसिप अबाउट देम हाउ द पास्ट वाज लाइक दिस एंड हाउ यू इंस्ट्रूमेंटली ड्राइंग देम फ्रॉम सिन, और ये नहीं बताते रहना कि ये ऐसे पाप में पड़े हुए थे और मेरे द्वारा से ये परमेश्वर के पास आ गए। नो बोस्टिंग अबाउट रेस्टोरेशन, अपना कोई घमंड करने की बात नहीं करना कि उन्होंने कैसे मन फिराया। When a person repented and turned back to God, don't talk about his past life. एक व्यक्ति ने जब मन फिराया है परमेश्वर की ओर फिर गया है तो उसके पुराने जीवन के बारे में बातचीत ना करें किसी से। Maybe sometimes there may be disagreement with you and that person, then don't bring back the old memory. Or remember, I am the one who brought you back. You are like that once. I brought you back. Don't talk about that. और आगे चल के जब कोई मन मिटाव आपके बीच में उस भाई के बीच में आ जाता है तो आप ये ना कहें, देख तू मेरे कारण से परमेश्वर के पास आया था, तू ऐसी दशा में था, मैंने तेरे को वचन दिया था। Isaiah 43:18-19, forget the former things. Don't dwell in the past, God says. यशायाह 43:18 में लिखा है कि देख मैं नई बातें करता हूँ और अब प्रगट पुरानी बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन की बाल की बातों पर मन लगाओ। Look at the way the Lord dealt with the woman upon adultery when they brought the woman to him in John 8 chapter. यूहन्ना 8वें अध्याय में जो व्यभिचारी स्त्री को जब प्रभु के पास लाया गया, प्रभु ने कैसे उसको कैस तरह से उसके साथ बर्ताव किया? He told the people brought her to him to ask him whether he should be stoned or not. He was not saying let him cast the first stone, he said. और प्रभु ने बोला कि इस स्त्री को बीच में रखा हुआ था, बोला कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर स्त्री पे मारे। Nobody could throw a stone at her. Everyone had their own sin. They walked away. और सबने पाप किया हुआ था, सबके अपने अपने पाप थे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि पत्थर उठा के मार सके। Only the Lord was left. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वहां रह गए। In him there was no sin. और उसमें तो कोई पाप था ही नहीं। Because the only one had the right to throw a stone. वही एक थे जिसके पास ये अधिकार बनता था कि वो उस स्त्री पे पत्थर मार सके। जोड़ा neither will I condemn you. और प्रभु यीशु ने उसको बोला, मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता। He told her, go now and leave your life of sin. उन्होंने उसे कहा, मैं भी तुझ पे दोष की आज्ञा नहीं लगाता और अब जा, फिर पाप ना करना। He didn't endorse your lifestyle. He said, you go, don't sin anymore. Forgive her. प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू अपने पुराने जीवन में जैसी थी चली जा, नहीं, उसको माफ किया और बोला अब पाप मत करना। John 8:11. आठवां अध्याय उसकी 11वीं आयत। So when we are counseling people and they turn from sin and they walk back with God, come back to God, don't talk about the past life. Simply praise God for the fact that the Lord through you has brought them closer to the Lord. अगर कोई व्यक्ति जिसका उद्धार हो गया
उसका जीवन बदल गया, तो उसकी बातों को, पुराने जीवन को मत स्मरण करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपका कैसे प्रयोग करके उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। So the clear pattern in the Bible as to how, as God's people, while we may be individually holy and blameless before God, how we can instrument in the entire circle of Christians around them, around us, to be together walking with God. तो हम जब व्यक्तिगत तौर पर पवित्र का जीवन जी रहे हैं, तो हमारी ये कलीसिया के तौर पर ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ जितने भी भाई बहन, जितने लोग हैं, उनको भी हम लेके चलें पवित्रता में जीवन बिताने के लिए। And a walk with God will result in peace and joy being manifested. Peace and joy. और जब परमेश्वर के साथ इस तरह से चलेंगे तो परमेश्वर की शांति और आनंद जो है वो प्रकट होगा। These are two things the whole world is searching for. They're searching for peace, they're searching for true joy in the heart. They can't find it in the world. और संसार के लोग इन्हीं दो चीजों की खोज में है, शांति और आनंद के, और वो संसार में उसको नहीं पा पाते। When the church manifests that, the church can be an effective witness in a deteriorating world, in a wicked world. और जब कलीसिया जो है परमेश्वर के साथ, पवित्रता के साथ चलती है, तो वो एक गवाह बन जाती है इस दुष्ट संसार में जिसमें शांति और आनंद नहीं है, उनके लिए एक गवाह बन जाती है। So praise God for his workmanship in us. And he'll always work in us, and not only for our own transformation, through us, other people's transformation. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे को चुना और हमें पवित्र समाज बनाया, और हमें पवित्र रहना, और हमारे को परमेश्वर प्रयोग करे कि हम दूसरे लोगों को भी पवित्रता के जीवन में लेके चलें। God bless us.